हेलो दोस्तों, तो आज मैं अपनी कार की जो ग्रिल है उसके ऊपर ये वाला लोगो लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ग्रिल को ऑलरेडी मॉडिफाई तो कर रखा है, देख सकते हैं, पर एक खाली ये लोगो लगाना है। इसके लिए हमें ये वाली ग्रिल को खोलनी पड़ेगी। तो ग्रिल को निकालने से पहले मैंने जो इस पर जो LED DRL स्ट्रिप लगी हुई थी मैंने इसको निकाल दिया, पर तो इसके जो प्लास्टिक के पेच लगे हुए थे वो भी मैंने निकाल लिए। तो मैं इसको यहाँ से खींचूँगा तो ये ग्रिल निकल जाएगी दोनों तरफ से। पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो मैंने ग्रिल को निकाल दिया है, देख सकते हैं, जो इस पर जो सुजुकी का लोगो है इस पर मैं रैप करने वाला हूँ ब्लैक। तो पहले मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो अभी मैं इस पर रैप करने वाला हूँ और फिर यहाँ पर रैप करके इस पर ये लोगो जो मैंने ये फुल्ली हैंडमेड है इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको लगा दूंगा। तो रैप करने के लिए मैंने विनाइल का ये तो ये छोटा सा पीस ले लिया है। अभी इसको मेजरमेंट करके मैं इसको और एक पीस कट करके ले लेता हूँ। तो ये मैंने इसका पीस कट करके ले लिया। अभी मैं इस पर रैप करूँगा। तो रैप करने के लिए मैं ये हेयर ड्रायर का यूज़ करूँगा। तो पहले इसको रैप कर लेता हूँ। तो मैंने इसको रैप कर लिया है, जो कि थोड़ा तो डिफेक्ट रह गया है क्योंकि इसको रैप करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये लोगो थोड़ा अंदर है, उस पर ये जो ग्रिल लगी है तो कि मैंने पहले मॉडिफाई की हुई है, उस पर ये येलो वाली लाइट भी लगी हुई है। तो अभी मैं इस पर ही चिपका दूंगा। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर चिपका दिया है। तो चिपकाने के लिए इसको मैंने ऐसी जो एक्रेलिक सीट पड़ी हुई थी उसका पीस कट करके मैंने पहले उस पर चिपका दिया, फिर साइड में जो दो स्क्रू लगे हुए थे उसको मैंने खोल के उसको लगा दिया है। तो अभी ये इसका वायरिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं इसकी वायरिंग है, तो उसमें लगी हुई है RGB लाइट। तो आप इसको तीनों कलर में भी जला सकते हैं या फिर अलग अलग रेड ग्रीन या ब्लू में भी रख सकते हैं, जो कि इसकी वायरिंग जो ये साइड में जो लाइट लगी उसमें ही कर देता हूँ। तो फिलहाल मैंने इसकी वायरिंग भी इसके साथ अटैच कर ली। इसका कपलर है तो ये कुछ इस तरह का लोगो लग रहा है, देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको कार में वापस से लगा दूंगा इस तरह, और इसको लगाने से पहले जो इसका कपलर है वायरिंग का वो पहले मैं लगा देता हूँ। कपलर इसलिए लगाया क्योंकि इसको निकलते समय ये वायर क्लीन कट ना करनी पड़े और फिर से जोड़नी ना पड़े, इसलिए आपको निकालने के और लगाने में आसानी होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर ये देख सकते हैं ऐसे कपलर का यूज़ किया हुआ है। तो पहले इसको मैंने लगा दिया है, अभी मैं इस ग्रिल को यहाँ पर लगा दूंगा। जैसे ही मैंने निकाली थी ऐसे ही ये लग जाएगी और फिर बाद में जो इसके पेच है वो लगा दूंगा। तो देख तो इसको फिक्स करने से पहले चेक कर लेते हैं ये चल रही है, तो अभी मैं इसको फिक्स कर दूंगा वापस से। तो ग्रिल को मैंने वापस से इंस्टॉल कर दिया और DRL को भी चिपका दिया है वापस से। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आया हुआ है अभी। तो अभी ये जल गई है लाइट भी, देख सकते हैं इसमें जो साइड में ऑरेंज लाइट लगी है जो कि उसका बेहतरीन लुक आया हुआ है। तो अभी इसका नाइट में भी इसके स्वाद देखेंगे कैसा लुक आता है। तो अभी चलते हैं नाइट में। तो ये मैंने देख सकते हैं जला दिया लाइट, कुछ इस तरह का लुक आया हुआ है। और बीच में जो मैंने बताया था आपको लोगो RS वाला वो भी, जो कि मैंने इसको ब्लू कलर में ही रखा हुआ है, तो कुछ इस तरह का लुक आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये नाइट शूट है, एंजॉय कीजिए।